हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो गाइज अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरी डीपी लगा के कोई व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है व्हाट्सएप करें, तो गाइज वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग्स को प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करती हूँ, सो अवेयर रहे फ्रॉड लोगों से, स्कैमर से। ओके, चलिए गाइज रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है, क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है, लेट्स सी। परफेक्शन, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। क्वेस्ट, रिलीज, डिस्कवरी, डेसिपिएटिंग, सेल्फ वर्क, फॉरगिवनेस, एक्सपेंशन, आइसोलेशन, सर्विस। बॉटम से है गाइस, इंस्टिंक्ट की एनर्जी, ओके, रिन्यूअल की एनर्जी, ओके। सो गाइज, देखिए यहां पर मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वो कुछ ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में ना परफेक्शन आ रहा है, ठीक है। आप लोग जैसा मैंने कहा था, दिन प्रतिदिन इनर वर्क कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो अगर, तो ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोला था गाइज कि कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो खुद से काम करने से ही मिलती है, खुद पर अच्छा काम करने से ही मिलती है। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोग अपने अंदर से अपने आप को यू नो क्लीन कर रहे हो, प्योर कर रहे हो, सो परफेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स थे वो सरफेस हो रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट हो रहे हो आप अपनी लाइफ में। और ये परफेक्शन गाइज यहां पर मैं देख रही हूँ कि सेल्फ वर्थ को भी अचीव कर रहे हो आप, ठीक है। ये वो चेयर है जिस पर डिवाइन सबको नहीं बिठालते, कुछ पावर्स के साथ डिवाइन किसी को बिठालते हैं यहाँ पर। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोग सेल्फ वर्थ को अचीव करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। जो लोग अच्छा करते हैं ना गाइस, जो यू नो दुख में भी प्रॉब्लम्स में हार नहीं मानते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, और उससे कुछ अच्छा बना के दिखाते हैं, ठीक है, परेशानियों में भी कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली उनसे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और यू नो उनको काफी कुछ वो फिर देते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं एंड बहुत सारे गिफ्ट्स मिरेकल्स उनकी लाइफ में भेजे जाते हैं। तो यहां पर मुझे यही नजर आ रहा है कि सेल्फ वर्थ आप अचीव कर रहे हो आने वाले समय में, ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। आप किसी के भी यू नो किसी के भी मोहताज नहीं रहोगे, यानी कि किसी के भी जरूरत ऐसे नहीं रहेगा कि कोई आपके लिए कुछ करे तभी आपका कोई काम बनेगा, ठीक है। आप अपनी जिंदगी के मालिक, अपनी लाइफ की यू नो अथॉरिटी आपके खुद के हाथों में होगी। आप इनफैक्ट और लोगों को यहां से मैं देख रही हूँ कि गाइड करने वाले हो, और लोगों के लिए काम करने वाले हो। मुझे यहां पर ये भी नजर आ रहे हैं गाइस कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफ करना भी सीख लिया है, भले ही मेरी रीडिंग के थ्रू सीखा हो या किसी और की रीडिंग के थ्रू सीखा हो या फिर कहीं और से सीखा हो, बट यहां पर मैं फॉरगिवनेस की एनर्जी में बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, ठीक है। जब हम लोगों को माफ करते हैं गाइस तो हम अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, ठीक है। माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, माफ करने का मतलब होता है कि आप ये बोलते हैं कि जिसने जो किया वो उसकी यू नो उसका कर्मा था, ठीक है, मैं अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने आप को माफ करता हूं,
अपनी सोल को माफ करता हूँ और मैं दूसरों को भी माफ करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि जो भी क्वेश्चंस आप डिवाइन से पूछ रहे हो उनके आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास, आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किस वजह से हुआ, क्या आपने ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ा, इन सारे तमाम सवालों के जवाब डिवाइन आपको दे रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। यहां पर गाइज आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, सोल एक्सपेंशन उन्हीं का हो रहा होगा गाइज जो इनर वर्क कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ होगी यहां पर आप रिलीज करोगे, चाहे कार्मिक्स हो, ठीक है, चाहे कार्मिक पैटर्न्स हो, नेगेटिविटी हो, नेगेटिव पैटर्न्स हो, जो कुछ भी है गाइज जो आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करता, भले ही वो कोई इंसान हो या फिर आपकी बुरी आदतें हो या फिर यू नो आप ही के कुछ ऐसे यू नो विचार हो जो आपको जो आपको यू नो सीमित करते हैं, ठीक है, जो आपको अनलिमिटेड नहीं होने देते, जो आपको लिमिट्स में बांध कर रखते हैं, ठीक है, वो भी यहां पर रिलीज होंगे, ठीक है। जैसे सोल का एक्सपेंशन होता है गाइस, तो फिर आप वो चीजें भी देखते हो जो नॉर्मल दो आंखों से इस 3D में देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा ऊपर तक देखोगे, ठीक है, बहुत बड़े नजरिए से आप सोचने वाले हो। सो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर रिलीज करोगे, ठीक है। ऐसे बेवकूफों से यू नो लोग बात कॉन्वर्सेशन करते हैं, कभी कभी अपनी अपनी एनर्जी को ड्रेन करवाते रहते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी काफी ड्रेन होती है लेकिन वो फिर भी आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहते हैं। ऐसी सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे, अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरह की बात कर रहा है या कर रही है और इसका लेवल क्या है, ठीक है। तो आप इग्नोर करोगे ऐसे लोगों को। यहां पर मैं ये देख रही हूँ अकेले में आप लोग काफी कुछ डिस्कवर कर रहे हो और हर दिन आपको कोई नॉलेज यू नो आप हर दिन नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, बहुत नॉलेज आपके पास आ रही है गाइस, डिस्कवरी आप कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो नई नई चीजों को, स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत सारी चीजों को डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप अकेले हो ये नजर आ रहा है, लेकिन ये अकेलापन आपको अब यू नो उतना परेशान नहीं करता, बिकॉज आप अगर किसी के साथ हो तो वो है डिवाइन। किसी ने गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में कल लिख दिया डिवाइन वाइन कुछ नहीं होता, ये सब यू नो बकवास है, ठीक है, कहाँ है डिवाइन, कौन ने, किसने देखा डिवाइन को, होते भी हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा, मैं थोड़ी देर बोलना चाहूंगी गाइज कुछ, तो अगर आप लोगों को यू नो प्रॉब्लम है तो आप 2-3 मिनट स्किप करिए, ठीक है, और फिर सीधा रीडिंग पर चले जाइए। यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी जिसने भी ये चीज लिखी थी, ठीक है। गाइज एक बात बताइए, डिवाइन नहीं है, अच्छा डिवाइन नहीं है, कर्मा भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो एक बात बताइए कि फिर लोगों की लाइफ एकदम बराबर क्यों नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि एक की लाइफ बहुत अच्छी होती है, एक की लाइफ यू नो बहुत एक फुटपाथ पर है, एक महलों में है, ठीक है, एक आलीशान बंगले में है, ठीक है, एक बहुत खूबसूरत है, उसके पास सब कुछ है, और एक के पास तो यू नो वो हैंडीकैप्ड है, उसके पास हाथ या पैर, इस तरह की चीजें भी नहीं है, ये क्या है, ये इतना ज्यादा अगर लोगों के बीच में भेद है, ठीक है, तो ये क्यों है, अगर डिवाइन नहीं है तो फिर ये किस कारण से ये चीजें होती हैं। इसीलिए होती हैं गाइस कि आप ही के कुछ पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जिनकी वजह से आप उसी तरीके का बर्थ लेते हो जो आपने पास्ट लाइफ में किया होता है, और वैसी ही जिंदगी आपकी चलती है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप ये बोलते हैं कि डिवाइन नहीं है, ठीक है, कर्मा कुछ नहीं होता है, जो काम अच्छा करते हैं वो दुखी रहते हैं, बाकी जो तो बुरा काम करते हैं वो तो बढ़िया से जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर जी रहे हैं तो वो तब तक के लिए ही जी रहे हैं जब तक उनके उनके गुड कर्मास जो उन्होंने किए थे उनका असर उन पर है, ठीक है। जैसे ही वो गुड कर्मास की गिनती खत्म होती है उसके बाद वो वही फेस करेंगे जो उन्होंने किया है, ठीक है। सो इसी तरीके से यू नो काम होता है, डिवाइन कभी भी किसी की किस्मत नहीं लिखते, ठीक है, उन्होंने सबको अपनी डायरी दे रखी है कि भाई अपने गुड भी लिखो और अपने बैड कर्मास भी लिखो, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये मत बोलिए कि डिवाइन नहीं है या यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्सल पावर्स नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको आपके मन की चीज नहीं मिल रही है, इस वजह से आप अगर इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप भी कंडीशन लगा रहे हो। आप बोलते हो हमने अनकंडीशनल लव किया किसी भी इंसान को, ठीक है, आपने अनकंडीशनल लव किया और आप डिवाइन के साथ कंडीशन लगाते हो कि आप मेरी ये वाली इच्छा पूरी करो तो मैं मान जाऊंगा या मान जाऊंगी कि आप इस दुनिया में हो, अदरवाइज मुझे पता है कि आप हो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई मिरेकल नहीं होता है, कोई पावर नहीं होती है। तो गाइज आप सेल्फिश हो फिर,
ठीक है, जो आप अनकंडीशनल लव किसी पर्सन को देते हो वो आप अनकंडीशनल लव डिवाइन को देकर देखो, 1000 times आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और पूरा लॉयल लव मिलेगा, ये भी इस बात की गारंटी है, ठीक है। सो इस तरीके का कमेंट ना करें, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, आप लोग समझदार लोग हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, इस तरीके का कमेंट ना करें, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में आकर, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आकर हीलिंग लेकर, ठीक है, रीडिंग देखकर, ठीक है, उसके बाद ये लिखते हैं कि हम नहीं मानते कि डिवाइन है। सो गाइज बहुत ज्यादा यू नो ये हर्ट करता है, ऐसे मत लिखिए, ठीक है। डिवाइन है, यूनिवर्सल पावर्स भी हैं, एंजल्स भी हैं, आप उनको जज मत कीजिए, आप ये मत कीजिए कि हमें साबित करें कि आप हैं, ठीक है। आप पहले मानिए उन्हें, जब आप मानेंगे तो वो आपको अपनी प्रेजेंस भी फील कराएंगे, ओके। चलिए हम रीडिंग पर आते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, सर्विस का कार्ड है एंड डेसिपिएटिंग का कार्ड है, सो ये दिखा रहा है कि आपका जो भी अकेलापन है गाइज वो आप यहाँ पर लोगों की हेल्प करके दूर कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास यू नो अकेलापन है, आपके पास लोग नहीं है या फिर ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। सो मैं ये देख रही हूँ कि डिवाइन ने आपके पास ऐसे लोग भेजे जिनकी आप मदद कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप खाली नहीं बैठे हो और आप यू नो परेशान नहीं हो रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो आप करिए, ठीक है। हर चीज खुशी देती है, खुशी ढूंढी जाती है, ठीक है, खुशी मांगने से नहीं मिलती, खुशी को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ये चीजें मुझे नजर आ रही है। उसके अलावा गाइस इंट्यूशंस आपके काफी स्ट्रांग है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नए सिरे से आपकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, सो उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है, हर पल में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, एंड मुझे आपकी लाइफ में यही सीधी सारी चीजें आते हुए नजर आ रही है, ठीक है। परफेक्शन आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है, सेल्फ वर्थ आ रही है आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। चलिए अभी हम देखने की कोशिश करते हैं टैरो से, लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली हैं, कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, मून, हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, हायरोफेंट एंड टेम्परेंस। बॉटम से है गाइज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। देखिए गाइज यहां पर मुझे एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि जो लोग भी बहुत लंबे टाइम से टावर के साथ डील कर रहे थे, जिनके लाइफ में टावर चल रहा था, उनकी लाइफ में अभी मैं ये देख रही हूँ कि कोई ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग मुझे एस ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रही है कि डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। टावर आपने यहाँ पर यू नो फेस कर लिया है, अब टावर के बाद बारी है आपको ब्लेस करने की। जैसा मैंने हमेशा बोला है कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती, दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा, सो टावर में दुख था, अभी आप ब्लेसिंग में सुख का अनुभव कीजिएगा, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, मुझे बहुत सारे लोग अभी भी यू नो बहुत लोअर वाइब्रेशंस में दिखाई दे रहे हैं, दो तरीके की रीडिंग यहाँ पर मुझे मैसेज दे रही है, ठीक है, मतलब दो तरीके का ग्रुप मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में नजर आ रहा है। एक तो वो है जो यू नो अपने आप को काफी पॉजिटिव बना चुका है और काफी हद तक हील कर लिया है उसने, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी यू नो इस चैनल से जुड़े हैं या फिर जस्ट अभी अभी आए हैं, सो अभी स्टक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें रीडिंग भी हो सकता है सिर्फ सुन लेते हो, लेकिन अभी उन्हें भरोसा करने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर यू नो कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हो, क्लैरिटी ना मिल रही हो, सो इस तरीके के लोग भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही है चीजें, उनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं लोगों के साथ, अपने आप को स्टक भी महसूस कर रहे हैं और चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो काफी ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में है,
काफी ज्यादा लोअर एनर्जी में है, उनकी एनर्जीज काफी नेगेटिव हो रखी हैं इस टाइम। एक तो वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें कोई डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कंफ्यूजन, यहाँ से भी कंफ्यूजन की एनर्जी थी। ठीक है, कुछ लोग काफी कंफ्यूज हैं। और यहाँ पर मुझे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है गाइस कि आप लोग भाग रहे हो कुछ चीजों से। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने है, जो रियलिटी है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो जो भी आपके सामने है, जिस पर भी आप स्टक हो, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए। ठीक है, और उसको हील कीजिए। ये मुझे यहां से नजर आ रहा है, आपको रिलीज करने की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है गाइस कि आप लोगों के लिए जो आने वाला समय है वो काफी अच्छा है। फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है, बट आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी खासी हीलिंग मिल रही है गाइस। ठीक है, और पॉजिटिविटी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। फिलहाल में आप जिस भी चीज के साथ भागने की कोशिश कर रहे हो, उससे भागिए मत, उसको एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए, रिलीज कीजिए। क्या बोला है मैंने? एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले सिचुएशन को। ठीक है, भागिए मत उसके साथ, उसके बाद उसे फिर एक्सेप्ट करने के बाद फेस कीजिए, उसके बाद उसे रिलीज कीजिए। ठीक है, तब आपको मन से शांति मिलेगी। भागना किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। भागने के बाद आपको नहीं पता वो प्रॉब्लम आपके साथ भाग रही है कब सामने आकर खड़ी होगी। अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट है, कोई पास्ट में आपसे गलती हुई है, तो खुद को माफ कीजिए। दिन में आप 4-5 बार अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैंने खुद को माफ किया, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ठीक है, और कोई दो सिचुएशन में अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लव लाइफ में काफी ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि कप के कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं, इमोशंस जो दिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ में कुछ काफी ज्यादा सोच रहे हो, जगल कर रहे हो, या तो आप मूव ऑन करना चाहते हो और या फिर आप वेट करना चाहते हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वेट किया जाए कि मूव ऑन किया जाए। ऐसी सिचुएशन में मुझे आप नजर आ रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि उनको कनेक्शन के साथ क्या करना चाहिए, क्या उन्हें हमेशा के लिए क्या उन्हें वेट करना चाहिए या फिर उन्हें हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी बन गई, प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई हैं कि वो इतना स्टक हो गए हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अब उन्हें लग रहा है कि या तो मैं पूरी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाऊं या फिर मुझे ये कनेक्शन मिल जाए। आप ऐसे नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी कि आप ना इसी तरफ के पूरे हो ना उसी तरफ के पूरे हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, या तो आप पूरी तरीके से एक तरफ जाना चाहते हो या आप पूरी तरीके से दूसरे तरफ जाना चाहते हो। तो मुझे यही लग रहा है कि आप इन्हीं दो सिचुएशन में काफी जगल करते हो कि वेट किया जाए कि मूव ऑन कर लिया जाए, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भागने की भी कोशिश कर रहे हो उस चीज की वजह से, क्योंकि आप मूव ऑन करना तो चाहते हो लेकिन आपका दिल आपको मूव ऑन नहीं करने देता, और जो दिमाग है वो वेट नहीं करने देता। दिमाग लॉजिक यूज करता है, वो कहता है कि यार ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके हिसाब से तो तुम पागल बन रहे हो। ठीक है, और दिल कहता है कि नहीं, वेट करना चाहिए। सो ये दिल दिमाग में भी मुझे आप लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपका दिमाग खराब करेंगी एंड आपको मजबूर करेंगी कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में डालेंगी या फिर आपके लड़ाई झगड़े होंगे लोगों के साथ। मुझे यहाँ पर एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है। देखिए, डिवाइन तो आपको, एंजल्स तो आपको हील कर ही रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है, गुड न्यूज ही है कि आपको हीलिंग मिल रही है उनकी तरफ से। लेकिन आप खुद की हीलिंग भी कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। जितना आप ध्यान लगाएंगे, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मून का कार्ड दिखा रहा है कि आप लोग काफी इमोशनल हो। ठीक है, और इमोशंस में आकर आप कई बार गलतियां करते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आपको हीलिंग की नीड है तो वो इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली हर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही चीज नजर आ रही है कि सबसे पहले अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो वो अपने इमोशंस पर करना है, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी, क्योंकि ये आपका बहुत नुकसान कराते हैं यहाँ पर। और आपको हील भी किया जा रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको हीलिंग मिल रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई शादी का प्रपोजल आपके पास आ सकता है आने वाले समय में। ठीक है, और ये जो शादी का प्रपोजल है गाइस, किसी ऐसे इंसान से आने वाला है जिसकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, काफी लड़की है तो काफी स्मार्ट है। ठीक है, लड़का है तो काफी हैंडसम है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव भी है, आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी है। ठीक
ठीक है, आपको काफी अट्रैक्टिव भी मानता है। सो मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक न्यू पर्सन हो और आपसे उम्र में छोटे हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप ही के पर्सन हैं, आपके एक्स हो सकते हैं ये, ठीक है। और एक एक एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलिन की मिली है वो ये दिखा रही है गाइस कि एक पर्सन अभी भी है जो थोड़ा सा आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ रूड बिहेवियर उनका है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना बिहेवियर रूड दिखा रहे हैं, हालांकि आपकी तरफ पैशनेट है, आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, बट ये शो ऐसे कर रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो एक एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रही है गाइस कि आप ही के काउंटर पार्ट की है, लेकिन दूसरी एनर्जी मुझे किसी न्यू पर्सन की दिखाई दे रही है जो काफी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। सो मुझे प्रपोजल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं किसी न्यू पर्सन से भी गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये चीजें मुझे यहाँ से नजर आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं गाइस क्या आप लोगों की विश यहाँ पूरी हो रही है। हैप्पी फैमिली, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यू, केयरिंग कनेक्शंस एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एप्रिसिएशन। ओके सो गाइज मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप लोगों में से आने वाले समय में बहुत सारे लोग की हैप्पी फैमिली बनने वाली है, उनको उनका केयरिंग कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ से नजर आ रही है और एप्रिसिएशन उनकी लाइफ में आ रहा है। तो ये विशेज हैं गाइस जो आपकी पूरी हो रही हैं फिलहाल। जो नेगेटिविटी मैंने आपसे बोली है उसको आपको रिमूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी मैंने आपको बोली है उस चीज को आप रिमूव करिए, क्योंकि उस चीज को रिमूव करने की आपको काफी जरूरत है। ओके सो गाइस ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।